एमए इतिहास फाइनल ईयर के प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र में आपका स्वागत है। विषय पाठ्यक्रम को जानना बहुत आवश्यक होता है, उसी के अनुसार हम आगे पढ़ाई करते हैं। जैसा कि एमए प्रीवियस में आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें चार पेपर हुए, चारों पेपर अनिवार्य थे, 3 घंटे के प्रश्न पत्र, 100-100 नंबर के, यानी 400 नंबर के आपने इम्तहान दिए। पहला पेपर था हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, मेथड एंड टूल्स। दूसरा पेपर 20th century world। तीसरा पेपर था हिस्ट्री ऑफ मेडिवल राजस्थान। और चौथा हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इन टूरिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ये आपने पढ़ लिया। अब आप एमए फाइनल में आ गए हैं। एमए फाइनल में इस तरह के अनिवार्य प्रश्न पत्र नहीं हैं, जिस तरह से एमए प्रीवियस में थे उस तरह से नहीं हैं, बल्कि यहाँ आपको 3 ग्रुप मिलेंगे। ग्रुप ए जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पूरा सिलेबस है। ग्रुप बी जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से है, और ग्रुप सी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। इन 3 ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप का ही चयन करना है। ध्यान रखें, किसी एक ग्रुप का चयन करना है। अब हम सबको मिलाकर नहीं पढ़ रहे, बल्कि किसी एक ग्रुप को पढ़ेंगे। उस एक ग्रुप में 4 प्रश्न पत्र होंगे, जो प्रश्न पत्र नंबर है वो 4 तक 1, 2, 3, 4 एमए प्रीवियस में था। अब यहाँ जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो नंबर 5 होगा, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 7, चौथा नंबर 8। इस तरह से हम किसी भी एक ग्रुप को चयन करेंगे और उस ग्रुप के सभी प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ेंगे, उसके सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे, उसको हम जानेंगे। तो 4 प्रश्न पत्र हमने प्रीवियस में पढ़े, 4 प्रश्न पत्र ऑप्शनल आपके ए बी सी ग्रुप में से कोई एक लेकर के 4 इसमें से पढ़ा, यानी 8 प्रश्न पत्र हो गए। 9वें प्रश्न पत्र में आपके पास 3 पेपर है, एक हिस्ट्री ऑफ आइडिया, दूसरा स्टेट इन इंडिया, और तीसरा मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनमें से किसी एक प्रश्न पत्र को आपको चयन करना होगा, यह 9वां प्रश्न पत्र होगा। तो आप अच्छे से समझ जाएं, जब आप सिलेबस खोलते हैं तो शुरू में आपको सिलेबस दिखाई पड़ेगा एमए प्रीवियस के, प्रश्न पत्र संख्या 1, प्रश्न पत्र संख्या 2, प्रश्न पत्र संख्या 3 और प्रश्न पत्र संख्या 4। इसके बाद आपके आ जाते हैं कि एमए फाइनल के सिलेबस को आप जब देखते हैं तो प्रश्न पत्र जो पहला चालू होता है वो होता है पेपर 5। जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखें तो पेपर 5 नाम से पहला पेपर है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 650। ये आपका सबसे पहला पेपर है, एमए फाइनल का पहला पेपर है, लेकिन इस पेपर का नाम सिलेबस में पेपर नंबर 5 होगा। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो हम इस क्रम में आगे बढ़ कर के देखते चले जाएंगे जिस जिस ग्रुप को हम देखना चाहें।
लेकिन ध्यान रखिए किसी एक ही ग्रुप में हमें चयन करने हैं चारों पेपर। अब इसके बारे में ये देखना भी है कि इन ग्रुप्स में जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला प्रश्न होगा वो 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 शब्दों में उन्हें हल करना होगा, एक एक क्वेश्चन को 20-20 शब्दों में। यानी जो 20 शब्द में हम लिखेंगे 10 क्वेश्चन, यानी 200 शब्दों में हमें लिखना है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, इसमें जो पार्ट होगा क्वेश्चन का वो पार्ट बी कहलाएगा, उसमें 5 प्रश्न होंगे, उन 5 प्रश्नों के सामान्य तौर पर एक ऑप्शनल प्रश्न भी होते हैं अथवा करके लिखे जाते हैं, यानी लगभग 10 प्रश्न आते हैं उनमें से कोई 5 प्रश्न करने होते हैं। ये जो 5 प्रश्न हैं ये 50 शब्दों के होंगे एक एक, और इस तरह से आपको 250 शब्द लिखने होंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा कि 250 शब्द 50 नंबर आपको देंगे, 200 शब्द 10 नंबर देंगे, और 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे जो 400 शब्दों में लिखने होंगे। प्रश्न संख्या उनमें 5 होगी, 5 क्वेश्चन आएंगे और उन 5 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है, वे 400 शब्दों में लिखने हैं, यानी आपको 800 शब्दों में 40 नंबर मिलने हैं। इस तरह से आपको 100 नंबर प्राप्त होंगे। 100 नंबर में आपको पहला जैसे 10 प्रश्न 20 शब्दों के 200 लगभग वर्ड हुए, दूसरा 5 प्रश्न 50 शब्दों के यानी 250 शब्द हुए, और तीसरा पार्ट 400 शब्दों के 2 क्वेश्चन यानी 800 शब्द हुए। कुल मिलाकर आपको 1250 शब्द में ही पूरे उत्तर देने हैं। इसका एक अभ्यास भी होना चाहिए, क्वेश्चन को कंपैक्ट करके कैसे लिखना है वो आगे अपन कुछ समझेंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है कि जैसे ग्रुप के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ए है तो उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ग्रुप ए के नाम पे है, उसमें पहला पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 650 AD, यानी ईस्वी तक 650 ईस्वी तक का हमें इतिहास पढ़ना है। इस तरह से यह नंबर होगा 5वां, यद्यपि एमए फाइनल का यह फर्स्ट पेपर एक तरह से देखने में लगता है, क्योंकि कोई भी ग्रुप लेंगे ए बी सी तो उसमें पहला पेपर जो होगा वो पेपर 5th कहलाएगा, दूसरा पेपर जब आप देखेंगे तो वो पेपर 6 बनेगा और उस रूप में उसको देखेंगे। यानी कि हम जैसे इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ग्रुप में देखें तो पेपर 6 हिस्ट्री ऑफ इंडिया AD 650 टू 1200 ये आपको मिल जाएगा। ये आपका दूसरा पेपर है लेकिन यहाँ पेपर संख्या 6 है, ये आप देख करके कभी भ्रमित न हो कि ये क्या हो रहा है। आप समझ लें पहले आपने 4 पढ़ लिया है, उसके बाद नंबर 5 पहला पेपर हो गया, नंबर 6 दूसरा पेपर हो गया, फिर इसी तरह देखिए आप ये तीसरा पेपर आपका आएगा नंबर 7 लिखा हुआ जैसे एपिग्राफी, और फिर इसके बाद आएगा आपका चौथा पेपर नंबर 8 न्यूमिस्मैटिक्स, ये 8वां पेपर हो गया। तो इस तरह से आपके 8 प्रश्न पत्र हो गए। तो
तो उसमें से यानी कोई एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप के चार भाग हुए, उस चार प्रश्न पत्र बने और वे चार प्रश्न पत्र पहले चार प्रश्न पत्रों से जुड़ करके कुल मिलाकर आठवें नंबर पर आए। और फिर आपको नौवां एक पेपर पढ़ना होगा, वो नौवां पेपर होगा जिसमें आपको अनिवार्य रूप से कोई एक चयन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप देखें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये हिस्ट्री के सब में उसी तरह से दिए गए हैं। और जब आप आते हैं आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पेपर, तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, पेपर नाइन्थ, ब्रैकेट में ए लिखा हुआ, ये आपका एक पेपर है। इसी तरह से ऑप्शन है, आप दूसरा भी ले सकते हैं नौवां पेपर। नौवें पेपर के लिए दूसरे ऑप्शन में आप आएँ, लिखा हुआ है पेपर नाइन्थ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी, स्टेट ऑफ स्टेट इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया, ये आपका दूसरा ऑप्शन हुआ। और तीसरा नौवें पेपर का ब्रैकेट में सी लिखा हुआ, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह से ये आपके नौ पेपर हुए, तो कुल मिलाकर के एमए फाइनल में आपको पांच पेपर पढ़ने हैं। अब देख लें, चार पेपर अनिवार्य हैं, कोई भी एक ग्रुप लेंगे उस ग्रुप में चार पेपर है, और क्रम संख्या पाँच से चालू होगा तो वो आपको आठ तक ले जाएगा, आठवें पेपर तक। नौवां पेपर में से कोई एक आपको लेना है। इस तरह से आपके टोटल नौ पेपर पढ़ेंगे, प्रीवियस और फाइनल मिलाकर 900 अंकों की परीक्षा होती है टोटल। और उसमें से आपको डिसीजन होता है कि आप किस रैंक पर जाते हैं, कितना अंक प्राप्त करते हैं। तो अब हम एमए फाइनल के पांचवें पेपर से चालू करेंगे और पांचवें पेपर से नौवें पेपर तक की पढ़ाई करेंगे। उसको सिलेबस हम देखेंगे जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने तय किया हुआ है, उसके अनुसार ही हम आगे पढ़ते हुए आगे चलेंगे। आज इतना ही, फिर आगे आपसे बात होगी। धन्यवाद।